तो चार दिन पानी गिरा, एक गाड़ी बाहर नहीं निकला, पूरे घुटने तक कीचड़, बाजू में सुवर, ये ड्रेनेज का पानी बाहर नहीं जाता। क्या समस्या? समस्या का घर है हमारा, ड्रेनेज बहुत बड़ी समस्या है। उसके बाद रोड तो है ही नहीं, तो पहले ड्रेनेज बनाओ, रोड तो कैसे भी चिकड़ में घुसेंगे। इससे पहले रोड कैसा है इधर फोटो में दिखाया सर? हाँ दिखाया सर, उसमें कुछ नहीं है। हाँ आप देख सकते, सब लोग इधर जिंदगी करना पड़े, तो 25 साल से जिंदगी कट रहा है। सबके पास 200 बार MLA MP सबके पास जाके है सर, कोई भी कामिश नहीं कर रहा। हम क्या करना है उधर? दिस वीडियो प्रेजेंटेड बाई पीस इस्लामिक इंटरनेशनल स्कूल ब्रांच हदरगा रोड एंड मिसबा नगर गुलबर्गा। स्टूडेंट्स गेटिंग एजुकेशन फॉर बोथ द वर्ल्ड्स बेस्ट एकेडमिक इंग्लिश एजुकेशन डिप्लोमा इन अरबिक 2023 एडमिशन स्टार्टेड। कॉन्टैक्ट एंड विजिट स्कूल फॉर मोर डिटेल्स। सर देखिए, हमारी जो बहुत सारे प्रॉब्लम्स है, हम प्रॉब्लम से पैदा हुए हैं। हाँ, ये गुलबर्गा यूनिवर्सिटी शहर में एक यूनिवर्सिटी लेवार्ड है, उसमें जो साहब पूरे देख सकते हैं, पूरे सीनियर सिटीजन है। 25 साल से 160 घर है, जहाँ रोड है ना पानी है। परसों जो है सो थोड़े बहुत झगड़ा करते, थोड़े लेटर डाले, एक चार दिन पानी गिरा, एक गाड़ी बाहर नहीं निकला, पूरे घुटने तक कीचड़, बाजू में सुवर, ये ड्रेनेज का पानी बाहर नहीं जाता। हाँ क्या समस्या? समस्या का घर है हमारा, यहाँ कुछ नहीं है। कई बार जो है सो कई लेटर दिए, KKR स्कूल DC को दिए, मतीमूड़ साहब को दिए, सबको लेटर दे के इतनी बड़ी कट्टे हमारे पास, उसका कोई रिप्लाई है ना, जवाब है, कुछ नहीं है। हमको तंग आ गए, हम इतना दुख है। एक बच्चा एक थोड़ी सी 10 मिनट पानी गिरा तो एक बच्चा बाहर नहीं निकल सकता। बाजू में ड्रेनेज, स्मेल, मच्छर, डेंगू, कितने सारे प्रॉब्लम्स है सर हमारे। इससे पहले भी हम चेक करें तो MLA लोग बोले हम वो करेंगे, ये करेंगे, जीत गए तो खत्म हो गया, तो वहाँ कोई आता ही नहीं है। हमारा जो से MLA मतीमूर साहब हैं, बोले आप उनकी नज़र में ले के गए, तो एक 20-25 फीट का एक रोड बना के दिया। वो हम इससे पहले भी हम ये इलेक्शन बहिष्कार करते बोल के बोले थे हम। उसके बाद पूरे DC साहब के और तहसीलदार आए, पंचायत आए, मटीदुल जो भी है पूरा आए, पूरे वो करेंगे, ये करेंगे, 4 दिन रुको, 5 दिन रुको। उसके बाद गए तो हमारे पास फंड नहीं है, कभी वो नहीं है, कभी उसको बोलो, ये पूरा यही हो रहा हमारा। सर एक हमारे कनेक्टिंग रोड है हमारा, वो रोड को कहीं जाने नहीं होता, उसमें 4 खंभे गड़े हुए हैं, 4 खंभे, तो हमारी गाड़ी पास नहीं होती, जरा फिसल गया तो डाली में जाता। वो कौन है AW कौन है, क्या नाम है, वीर भद्रपा साहब, उनके पास गए तो उन्हें क्या बोलता, कॉरपोरेशन भगाता, कॉरपोरेशन गए तो उन्हें क्या बोलता है, इधर भगाता, ये हमारे काम नहीं है, ये हमारे काम नहीं है। तो किसी काम है कि हमारे काम है वो? अरे अजीब बात है। तो वो खंभे जो सो लेवार्ड मांगे, लेवार्ड दे दिए, लेटर दे दिए, ये जिसका में जो सो म्यूनसिपल को जाओ बोलता वहाँ गए तो इधर जाओ बोलता, खंभे जहाँ का वहीं है, कोई निकालने वाला नहीं है। तो डिमांड क्या है सर? हमारे ड्रेनेज बहुत है, ड्रेनेज हमारे घर के पानी हमारे आजू बाजू में है, जहाँ सुमारे जो से जिंदगी करते सुबह तो मर रहे हैं, सुबह मर तो बदबू आ रही है, तो म्यूनसिपल को फ़ोन करना, वो सब सुबह मरे तो भी निकालने वाले कोई नहीं है, फ़ोन करके करने के बाद आता, तो हमारे ड्रेनेज का पानी कहीं जाता ही नहीं है। ड्रेनेज बहुत बड़ी समस्या है। उसके बाद रोड तो है ही नहीं, तो पहले ड्रेनेज बनाओ, रोड तो कैसे भी चिकड़ में घुसेंगे, मगर ड्रेनेज तो करो ना। ड्रेनेज भी नहीं है, रोड नहीं है, वो एक कनेक्टिंग रोड है, उसमें जाने के रास्ता नहीं है, बीच में खंभे हैं, बहुत सारे समस्याएं सर हमारे। इससे पहले रोड कैसा है इधर फोटो में दिखाया सर? हाँ दिखाया सर, उसमें कुछ नहीं है। हाँ आप देख सकते हैं, आप उधर बूढ़े लोग जो है चलने को नहीं आता, बच्चे लोग चलने को नहीं आता, सब लोग इधर जिंदगी करना पड़े, तो 25 साल से जिंदगी कट रहा है। सबके पास 100-100 बार MLA MP सबके पास जाके है सर, कोई भी कामिश नहीं कर रहा है। हम क्या करना है उधर? बुढ़ा लोग का पूरा रिटायरमेंट आदमी है, गवर्नमेंट लेवट है, वो एक आदमी भी हमारे पास नहीं आता, इधर पास नहीं आता, बताए किसको पूछना, वो हमारे को होना है। सब लोग काम करते हैं क्या नहीं करते मालूम नहीं है, उधर आके देखना, उतना ही मेरा फर्ज है। रोड हाँ
आप ये बैनर में देख सकते हैं, ये बैनर में बैनर पे देख सकते हैं, हमारे पास फोटो भी है। हम थोड़ा बारिश आया तो उधर चलने को भी नहीं आता। बैनर दिखाओ सर, आप लोग थोड़ा मेहरबानी करके सब लोगों को थोड़ा बताना। गुलबर्ग के शहर में जो ESI हॉस्पिटल के सामने वृंदावन कॉलोनी, ज्ञान गंगा कॉलोनी और लक्ष्मी नगर एरिया ये दो जो एरिया है, ये तीन एरिया, ये फिलहाल 20 साल से वहाँ पे 200 कुटुंब रहते हैं। वहाँ पे अभी तक एक भी मूलभूत सहूलत, बोले तो क्या अभी एक इंसान जीने के लिए पानी, रास्ता, ड्रेनेज और आंगनबाड़ी क्या चाहिए, वो कौन सा भी फैसिलिटी नहीं है। अभी तक ये कॉलोनी के लोग जो है जो इनका एमएलए को और महानगर पालिका कलबुर्गी को और जिलाड़ित को अभी तक 52 मेमोरेंडम दिया है और 2-3 बार स्ट्राइक करके भी इनको अभी तक इनको शर्म नहीं आ रहा है, क्योंकि ये लोगों को जो मूलभूत सौलभ्य है, जो पानी का समस्या है, नल का समस्या है, रास्ते का समस्या है, करंट का समस्या है, ये समस्या के बारे में डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेटिव भी नहीं बात कर रहा, गवर्नमेंट भी नहीं बात कर रहा और MLA भी बात नहीं कर रहे। इन सभी लोगों को आज हम ये आग्रह कर रहे हैं कि इनको इंसानियत नाम का कुछ तो चीज़ रहा है, तो ये लोगों को ये जो फैसिलिटी मिलना चाहिए, वो जो फैसिलिटी हमारे को लीगली चाहिए वो फैसिलिटी देना चाहिए। ये लोगों का जो मांग है, जो रास्ता चाहिए, ड्रेनेज चाहिए, करंट चाहिए, नल चाहिए, ये सभी मांगों को पूरा करना चाहिए, वरना हम सभी लोग मिलके जो ज्ञानगंगा कॉलोनी और वृंदावन कॉलोनी लक्ष्मी नगर के सभी लोग मिलके ESI के सामने सेडम रोड जो है, जो रोड बंद करके हम पूरा सरकार को हम आज आग्रह कर रहे हैं कि हमारे मांगे जल्दी से जल्दी पूरे करे, बोल के आज आग्रह कर रहे हैं। This video presented by Peace Islamic International School Branch Hagraga Road and Misbah Nagar Gulbarga. Students getting education for both the worlds. Best academic English education. Diploma in Arabic. 2023 admission started. Contact and visit school for more details.